हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। 17 मार्च 2022 साल की सबसे बड़ी फाल्गुन पूर्णिमा व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त चांद को देखकर करेंगे छोटा सा महा उपाय। हिंदी साल के आखिरी माह फाल्गुन माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि को फाल्गुन पूर्णिमा कहते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा का धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है। पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक उपवास रखने का विधान है। कहा जाता है कि जो भी इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु जी और चंद्रदेव की आराधना करते हैं तो उसके सभी दुखों का नाश होकर उसे विष्णु कृपा प्राप्त होती है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन भी किया जाता है। आज हम आपको साल 2022 फाल्गुन पूर्णिमा व्रत तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले महा उपाय के बारे में बताएंगे। फाल्गुन पूर्णिमा शुभ मुहूर्त 2022। साल 2022 में फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत 17 मार्च गुरुवार को रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 17 मार्च दोपहर 1:29 पर। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 18 मार्च दोपहर 12:47 पर। 17 मार्च को होलिका दहन भी किया जाएगा। फाल्गुन पूर्णिमा पूजा विधि। हर माह की पूर्णिमा पर उपवास और पूजन की परंपरा है। हालांकि प्रत्येक पूर्णिमा की कुछ विशेषताएं होती हैं। फाल्गुन पूर्णिमा पर भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प करें और विधिवत भगवान कृष्ण जी की पूजा करें। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से लेकर शाम के समय चंद्र दर्शन तक उपवास और चंद्रमा की पूजा करके चंद्रमा की पूजा करने तक व्रत करें। आज के दिन स्नान दान और भगवान का ध्यान करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है, इसीलिए इस दिन विधि पूर्वक होलिका दहन करना चाहिए। फाल्गुन पूर्णिमा महत्व। हिंदी कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा को साल की अंतिम पूर्णिमा भी कहा जाता है। हर साल फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली का पर्व मनाया जाता है। बहुत से लोग इस दिन लक्ष्मी जयंती भी मनाते हैं। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जो भी लोग फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि का व्रत उपवास रखकर भगवान कृष्ण और चंद्रदेव की पूजा करते हैं तो उनकी हर मनोकामना पूरी होती है और साथ ही इस दिन होली का पूजन के बाद होली का दहन करने से जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है। फाल्गुन पूर्णिमा महा उपाय। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि फाल्गुन पूर्णिमा का दिन धन की देवी लक्ष्मी जी को बहुत अधिक प्रिय है, जिस कारण यदि इस दिन कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो व्यक्ति को जीवन भर सुख समृद्धि और उसके सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। आइए जानते हैं ये महा उपाय क्या हैं। फाल्गुन पूर्णिमा धन प्राप्ति के लिए बेहद खास मानी जाती है। पूर्णिमा की रात चंद्रमा की विधि विधान से पूजा करके चंद्रमा को गाय के कच्चे दूध से अर्घ दें। इसके साथ ही खीर या दूध से बनी चीजों का भोग चंद्रदेव को लगाने से धन आगमन के मार्ग खुलते हैं। पूर्णिमा तिथि धन की देवी लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। कहते हैं कि आज के दिन पीपल वृक्ष में माँ लक्ष्मी जी निवास करती हैं। ऐसे में इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद पीपल के पेड़ के नीचे लक्ष्मी जी की पूजा करें, इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करने के लिए फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सफेद चीजों जैसे सफेद फूल, दही, चीनी, चावल, सफेद चंदन, सफेद वस्त्र आदि का दान करें। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हों तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।